एक रहस्य बनी हुई है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जितना बाबा रहस्यमय रहा है उससे ज़्यादा रहस्यमय हनीप्रीत है। उसके आप उनके काफ़ी क्लोज रहे हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, तो क्या आप जानते हैं हनीप्रीत के बारे में? देखिए, जो हनीप्रीत थी वो डेरे में जब आई, पहले उसके फादर मदर डेरे में रहते थे, फिर हनीप्रीत जब उसकी स्टडी पूरी हुई उसके बाद डेरे में आई, और डेरे में आकर उसने धीरे धीरे कुछ लोगों के करीब हुई, जो गुरमीत राम रहीम के जो करीबी था, जय विकास गुप्ता, इसके नज़दीक हुई, इसके साथ उसकी धीरे धीरे में इस दोस्ती फ्रेंडशिप में बदल गई, तो उसके उसके साथ है बाहर अंदर जाने लगी, तो उसमें उस टाइम चर्चा भी थी बीजे उसके साथ घूमती है, विकास के साथ घूमती है, तो इनकी मतलब कि इतनी धीरे धीरे बढ़ती बात गई, तो एक एक ऐसे आ गया भी ये दोनों ने मन बना लिया भी हम शादी कराएंगे। तो उसके जब गुरमीत को पता चला, ता इसको बताया गया भी, वो विकास से उन्होंने बताया उसके परिवार ने, तो उन्होंने इसको बुला के, तो मुड़ के क्या हुआ उस टाइम बाबे की नज़दीकी बढ़ गई उसके साथ, तो बाबा ने देखा भी सुंदर सारा कुछ देख के उसने, तो उसको लगा भी उसने उसके साथ डोरे डालने शुरू कर दिए, तो जब फिर उसकी बाबे की इसके साथ होगी तो नज़दीकियाँ बढ़ गई, डेरे में फिर चर्चा चली भी अभी बाबे के साथ इतनी क्लोज कैसे होगी, बाबा इस बाबे के पास घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा जाती है उस टाइम, तो इस टाइम पर जो ये बातें उठने लगी तो बाबा ने इसकी शादी करा दी उसके साथ, विकास के साथ, और शादी होने के बाद उसको बोल दिया गया भी ये आपके साथ नहीं रहेगी, जो डेरे की कमेटी उन्होंने बोल दिया भी ये तो गुरमीत राम रहीम जी ने इसको रखा हुआ है, उन्होंने लिया हुआ है, तो उनके साथ ही रहेगी, आपके साथ नहीं रहेगी, तो उसके साथ एक रात भी नहीं उन्होंने बताने दी, तो वहाँ से ले आए उसके जो लेके गए थे जब उसकी सुहागरात वाले दिन, उसको आप खुद जाके डेरा मुखी लेकर आया, वहाँ से खुद गया, तो 2 घंटे परिवार को मनाया, सारा कुछ किया, तो वहाँ से ले आए जो बातें वहाँ चल रही थी, तो लेकर आए, तो उसके बाद डेरा मुखी ने उसको पक्का रख लिया, तो फिर बातें आई चली, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई भी यार ये तो गलत बात है, कुछ लोग कहने लगे, तो इन्होंने जो इनकी ग्रीन कमांडो सी उनको उनको इंटेरोगेट भी किया, पीटा भी, तो फिर लोग अपना दबी जबान से कहने लगे, जो साधु भी वो भी कहने लग गए भी ये तो गलत हो रहा है, तो फिर क्या हुआ 2009 में इन्हें अपना एक बड़ा फंक्शन करके इसको मुंह बोली बेटी बना लिया हनीप्रीत को, तो वो मुंह बोली बेटी बनी भी एक बार लोगों की जबान को बंद किया जाए भी, जो अभी तो मेरी बेटी होगी अभी क्या करेंगे, तो इसने बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया, बेटे के रिश्ते के अंदर बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो फिर बाबे को पक्की एक उसकी जो था पक्की मान्यता मिल गई, पक्का एक सर्टिफिकेट बना लिया उसने भी ये तो मेरी बेटी, अभी लोग क्या बोलेंगे, तो फिर वो साथ लेके उसको घूमने लगा, विदेशों में भी जाने लगा, गाड़ी में बहा कर उसको ले जा करे, एक बड़ा टेंट 3-4 गाड़ी खड़ती थी, तो उसमें बोला जाता था भी सिक्योरिटी रीजन से बाबे का पता नहीं चलना चाहिए कौन सी गाड़ी में बैठा है, तो जब टेंट ऊपर टेंट डाल देते थे तो बैठानी होती थी हनीप्रीत, तो अपनी गाड़ी में ये बाबा उसको बहा लेता था पीछे अपनी सीट के साथ, तो बैठ के फिर आगे के सफ़र के लिए चल पड़ते थे जहाँ भी कहीं जाते थे, फिर इन्हों दिनों में हनीप्रीत ने बोला भी मैं तो मुझे तो स्टार बनने का शौक है, मुझे चंगे चंगे सेलिब्रिटियों जो है हीरो उनके साथ मिलना है, क्रिकेट वालों के साथ मिलना है, तो इन्होंने फिर एक बड़ा स्टेडियम बनाया वहाँ पर, वहाँ मैच कराने लगे क्रिकेट के, वो एक जो लॉज होता था वो जो एसी लॉज था उसमें बिजनेसमैन आते थे उनको 10-10 लाख रुपए में एक एक चेयर दे दी भी आपको इस लॉज में बैठने के लिए 10 लाख रुपया आपसे चार्ज करेंगे, तो वहाँ से वो जो 70-80 सीटें इन्होंने बनाई थी उसमें उन्होंने 10-10 लाख लेके, एक तो बिजनेस बढ़ गया तो उसमें मैच होने लग गए, फिर वो ये प्रॉब्लम आई भी वहाँ पर, ये कहते भी वहाँ पर 5-स्टार होटल होना चाहिए, फिर उन्होंने एक एक कशिश होटल बनाया एक इधर, फिर इन्होंने 7-स्टार होटल बना दिया जो ताजमहल है सारा उसको एक उधर बना लिया, तो फिर हनीप्रीत कहती भी मैं तो मूवी बनाओ मूवी का शौक है, तो फिर हनीप्रीत को तो मोड़ते नहीं थे गर्मी, तो हनीप्रीत के कहने पे इन्होंने मूवी बना दी, तो मूवी बनाने शुरू कर दी, तो वो बाबे ने भी अपना होलिया बदल लिया, वो तो भूल गया भी मैं एक संत हूँ, जब मैं लोगों के लिए मैं एक संत बना हूँ, तो सब कुछ छोड़ के उसने वो ठुमके लगाने लग गया, तो उस टाइम फिर जो हनीप्रीत को हीरो एज ए हीरो ने पुट कर दिया भी, हीरो है, डायरेक्टर भी बनने लगी, प्रोड्यूसर भी बनने लगी, तो उसको महंगी महंगी गाड़ियों का शौक था, तो 1-2 महीने में बाद वो गाड़ी बदल देती थी भी, ये लेनी है मैंने अभी ये लेनी है, तो अभी पीछे से 2-2.5 करोड़ की गाड़ी ली थी उसके लिए, तो रेड कलर की थी,
वो ऐसा होता था, पर फिल्मों में जो उन्होंने पैसा लगा दिया, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने लगे। फिर हनीप्रीत कहती मैं तो बम्बे रहूँगी, बम्बे फ्लैट लेके दो। तो फिर डेरा मुखी ने उसको फ्लैट बम्बे लेके दिया, जो बहुत कॉस्टली फ्लैट है। तो वो बताते हैं अभी वो तो कम से कम 100 करोड़ के पार का फ्लैट है, जो इतना महंगा फ्लैट लिया उसने, बड़ा लग्जरी फ्लैट है। तो वो जहाँ पर एक्टर रहते हैं वहाँ पर उन्होंने फ्लैट लिया, उसका साथ में संजय दत्त का जहाँ पर है। उस दौरान फिर इसकी जो दोस्ती ज़्यादा हनीप्रीत की शिल्पा शेट्टी के साथ बढ़ गई, शिल्पा शेट्टी आने लगी तो उसके हस्बैंड आने लग गए, तो जो फिर बातें आने लगी भी, जो उन्होंने तो IPL में भी पैसा ला दिया इनके साथ मिलकर, शिल्पा शेट्टी और इनके साथ मिलकर, तो फिर वो हनीप्रीत के ज़्यादा करीब हो गई वो भी। फिर इसी टाइम में इनके पास ये अनिल कपूर भी बहुत आने लग गया, तो होर एक्टर आने लग गए, शिल्पा शेट्टी लेके आने लगी, जिवें ऋतिक रोशन हो गया जो इनके, तो उनके साथ घूमने लग गई हनीप्रीत। तो ऐसा ऐसा उसको शौक था इस चीज़ों का भी, मैं ऐसे करूं ऐसे करूं, बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलना। फिर उन्हें डेरा सरसा में जो मीटिंग होती थी वहां पर, एक एक इन्होंने बम्बे मीटिंग हॉल बनाया हुआ था बहुत बड़ा जहां मीटिंग होती थी, एक उन्होंने दुबई बनाया हुआ था ऐसा ही फ्लैट, बहुत बड़ा लग्जरी फ्लैट है, और वो एक समुंदर के बीच भी इन्होंने लिया हुआ था वहाँ पर, एक उन्होंने फिर बना लिया यहाँ पर सरसा में जो ताजमहल है, 7 स्टार होटल है। तो जो मैंने बताया था कुछ दिन पहले मीडिया पे, तो अभी जो वहाँ पर जाके देखा तो सभी चीज़ें वो निकल रही है जो मैंने बताई थी। तो अभी जो वहाँ पर इन्होंने बनाया 7 स्टार होटल बनाया है, उसमें सभी जुबे बना दिए भी, एक लोगों को उबलाने, लोगों को वहाँ पर जो लोग थे प्रेमी थे या वहाँ पर डेरे के भक्त थे वो तो आ ही नहीं सकते थे, तो इनकी ग्रीन कमांडो उसके आस पास लगी होती थी पूरी, है पत्ता भी नहीं हिलता था वहाँ पर। तो उस टाइम क्या हुआ, वो वहाँ पर हनीप्रीत जो कहती थी तो वो ही अंदर जा सकता था उसमें। तो हनीप्रीत पहले भेजती थी भी, जे जे लोगों के साथ मीटिंग है ये लोग आएंगे, और पहले मैं मीटिंग करूँगी फिर डेरा मुखी मीटिंग करेंगे। तो उस टाइम फिर जब वो बड़े लोग आते थे, मीटिंग होती थी, जो भी कोई डील होती थी इनकी बिजनेस को लेके होती थी, या कोई और किसी चीज़ को भी ले, फिल्मों को लेके होती थी, तो वो फिर उस टाइम आते थे। तो जब आते थे तो फिर वो पहले हनीप्रीत उनके साथ मीटिंग लेती थी, बहुत बड़ा एक मीटिंग हॉल है जिसमें कम से कम 100 चेयर लगी हुई है, तो इसकी डेरा मुखी की बहुत बड़ी चेयर थी जिसमें शेर बना हुआ था, उसमें गोल्ड का वहाँ पर उस पर चोल फेरा हुआ, तो उस पर बैठती थी जो डेरा मुखी, उस पर बैठता था, उसके साथ ही हनीप्रीत की एक चेयर होती थी। तो ये दोनों वहाँ पर के बैठ के दूसरे लोग वहाँ सारे मीटिंग करते थे। मीटिंग करने के बाद फिर वहाँ एक डेरा मुखी के लिए बहुत बड़ा एक रूम बनाया था, बेडरूम, और उसमें एक ड्राइंग रूम, एक ट्रेनिंग एरिया। तो उसमें जे बाबा जो था वो आराम करता था भी, अभी 1 घंटा जे आराम करेंगे या 2 घंटा आराम करेंगे, तो वो फिर उसमें आराम करता था। वो बड़ा लग्जरी था, उसमें करोड़ों रुपये का इसका जो बेडरूम है उसमें बनाया होता, उसमें जो बेड है बड़े बड़े बेड बना के, जो कम से कम 50-60 लाख का एक बेड होगा, जहाँ इन्होंने बाहर से मंगाया हुआ था, वहाँ फर्नीचर था जो वहाँ पर था कम से कम 5-7 करोड़ का, वहाँ पर उस एक रूम में इन्होंने फर्नीचर रखा हुआ था। तो इतना लग्जरी बनाया था, हर एक सहूलत थी, उसके साथ ही स्विमिंग पूल था, उसके साथ ही सोना वासा सलून था, उसके साथ ही स्टीम था, स्टीम लेते था जो जो है, तो उसके साथ ही जो बहुत बड़ा एक टब बना हुआ था जिसमें बाबा रिलैक्स होके वहाँ पर उस टब में बैठ के नहाता था। तो ऐसे 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 इसके शौक थे। वहाँ पर इसकी जो ड्रेस होती थी वो एक बार पहनना था दोबारा नहीं पहनता था। जुतियाँ जो थी 50,000 से लेके 5-5 लाख तक जुत्ती बनती थी यदि इसकी। हनीप्रीत की बात करें तो उसका कोई बॉयफ्रेंड भी था वहाँ पे डेरा में, या डेरा से पहले, या शादी से पहले, या शादी के बाद, या किसी के साथ इसका नाम जुड़ा था? और देखो सुनने में जो आता था वो इसके साथ ही घूमती थी ज़्यादा, जो विकास गुप्ता है, और ये बताया जाता भी एक किसी के साथ और भी पहले होती थी, ये हमें मतलब कि उसको हम जानते नहीं भी कौन था जो कौन नहीं था, बात आती थी भी यार इसका तो इसने इसके तो एक दो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है तो, पर जो डेरे में तो उसके साथ रहती थी, घूमती थी, बाहर होटलों में भी जाती थी, तो उसकी गाड़ी में शरेआम आम देखी जाती थी उसके साथ, विकास गुप्ता के साथ। उसके बाद जो तो फिर इसने देखा भी, पहले उसको इसने सीढ़ी पहले विकास गुप्ता था इसकी सीढ़ी, उस सीढ़ी पे पैर रखा, दूसरी सीढ़ी पे फिर इसने डेरा मुखी को सीढ़ी वाली पैर पर रख लिया, उसको पट लिया, उसको पटा तो उसके साथ इतनी नज़दीकी होगी, जो नीचे वाली सीढ़ी थी उसको सैड कर दिया, तो उसको छोड़ दिया। तो ऐसे इसने जो है डेरा मुखी के साथ नज़दीकी बढ़ी, क्योंकि जो विकास गुप्ता था वो डेरे मुखी का बहुत नज़दीकी था, उसके उनके साथ उनकी फैमिली पूरी अटैच थी, तो उसके जरिए इसने
पहले उसको पकड़ने के जरिए उसके साथ ही डेरे को उसको हेड को मिलती थी और मिलके उसको ऐसे मतलब कि उसने उसको फंसा लिया, तो उसके बाद तो फिर उसको उसको छोड़ा तो फिर तो हो ही उसकी गई। फिर तो 24 घंटे इसने कहता था भी मैं तो हाँ ही मेरे डेरा मुखी की हूँ, तो उसको पापा बोलती थी लोगों को दिखाने के लिए। तो ऐसी ऐसी जो इसकी हनीप्रीत की थी, हनीप्रीत के कारण ही इनके घर में क्लेश पड़ा था बहुत बड़ा। जो मेरी कज़न है, जो जसमीत की वाइफ है, जो डेरे मुखी के बेटे की वाइफ है, वो मेरी कज़न है। तो उसको हमें तो उस टाइम पता ना था, जब शादी हुई है अभी ऐसा ऐसा कुछ होगा तो ये भी यहाँ पर होता है, तो हमें तो था देखने को तो दूर से लोगों को ये लगता है भी सामाजिक काम होते हैं, ये ब्लडर का करते हैं जी, लोगों की हेल्प करते हैं, तो ऐसा तो अंदर में तो कुछ भी नहीं था। तो जब मेरी सिस्टर वहाँ पर गई तो वो भी फंस गई जाके, धीरे धीरे उसने देखा तो उस टाइम कर भी क्या सकते थे, फंस गए, तो वो भी अपने आप को फंसा फंसा महसूस करती थी। उसके फेस से साफ पता चलता था, उसको घर में कैद करके रखा गया था, उनको बाहर नहीं निकलने देते थे क्योंकि जब बाहर निकलेंगे तो लोगों से कोई बात पता चलेगी तो बात बढ़ेगी। फिर वो 4-5 साल हो गए, पूरा इनकी जो तत्कार आपकी इनकी बनती नहीं थी परिवार की और डेरा मुखी की। आपने बताया कि शिल्पा शेट्टी के साथ काफ़ी नज़दीकियाँ हैं हनीप्रीत की, तो क्या यह संभव है कि शिल्पा शेट्टी को पता हो कि हनीप्रीत कहाँ पे है? इसको कोई देखो ये है भी जब उसकी नज़दीकी सी जो नज़दीक वाले लोग थे वो हो सकता उसको पता हो, शायद क्या पता उसके पास ही गई हो वहाँ बैठी हो उसको, तो जो इनके दोस्त है किसी ना कोई कोई तो टच में होगा ना जी, ऐसी बात तो नहीं भी जो ऐसा इतनी नज़दीकी उस फिल्म इंडस्ट्री में उसकी बड़ी थी तो कोई ऐसा तो नहीं होगा भी किसी को नहीं पता होगा। बिल्कुल ये इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी करनी चाहिए, ये उन लोगों को भी पता हो सकता जो इसके जो आसपास के हैं, जैसे जो भी लोग है वहाँ डेरे में 5-6 लोग हैं नज़दीक है इसके, उनको भी पता हो सकता है, ऐसी बात नहीं उनको नहीं पता, तो कुछ जो प्रिटिकल आदमी है जैसे उनको भी पता हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता भी नहीं पता, तो किसी ना किसी के टच में ज़रूर है, जैसे उसके संधि है उनको भी पता हो सकता है, तो ये लोग हैं किसी के पास ही जा सकती है और इनको मुझे लगता भी सभी को पता है ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है। तो ऐसा नहीं भी आज 25 तारीख तक इनके कनेक्ट में थी, 26 में कह रहे हैं डेरे वाले कह रहे हैं भी आज हमारे कनेक्ट में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है इतना लंबा रिश्ता, इतनी नज़दीकी, डेरा मुखी के बाद नंबर 2 वो हनीप्रीत, तो डेरा मुखी ने बोला भी है भी जो मेरे बाद हनीप्रीत ही सारा काम देखती है, जो मैं नहीं हूँ तो कहीं गया हूँ जान सारा काम ये देखेगी, जे इसके आगे नहीं इसके कोई बात आएगी तो फिर मैं देखूँगा, पहले हनीप्रीत ही सारा काम देखी थी। तो आज एकदम ऐसे कैसे भी 25 तारीख के बाद 26 को उसको तो बिल्कुल बाहर ही कर दिया जी, वो तो है ही नहीं जी, उसको पता ही नहीं जी, ऐसे कुछ ट्रस्ट भी बने हैं जहाँ कहीं उसके सैन भी होते थे, बहुत ऐसी प्रॉपर्टी है जो हनीप्रीत को और बाबे को ही पता था तो और किसी को पता ही नहीं, तो ऐसे कैसे हो सकता भी हनीप्रीत के नाम पर भी प्रॉपर्टी बड़े विदेशों में भी है, इंडिया में भी है, तो वो तो जब हनीप्रीत जो भी कुछ कह देती थी बाबा तो ना ही नहीं करता था, बाबा तो जे वो कुछ भी मांग लेती थी, उसने एक बर्थडे पे अपने पे चॉपर मांगा था तो वो बाबे ने उसको कह दिया था भी हाँ मैं दूंगा आपको गुड्डी चॉपर, गुड्डी मैं आपको चॉपर दूंगा, तो जो एक चीज़ 1 मिनट पे उस पर 2-2.5 करोड़ की गाड़ी 1 मिनट में लेके दे देता है, एक मिनट में उस पर कहने पे फ्लैट लेके दे देता है बम्बे में, दुबई में फ्लैट लेके दे देता है, कनाडा अमेरिका में उसको प्रॉपर्टी बना के दे देता है, तो ऐसा थोड़ी अभी आज हनीप्रीत कहीं गैप होगी, आज उसका सारा संबंध ही खत्म हो गया, ऐसी बात कुछ नहीं, ये सिर्फ ये चगमा देने की बात है, तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता, जो मैंने पहले बताया था भी जे चीज़ें डेरे में है वो निकल रही है, तो ये भी बात कुछ दिनों में सामने आ जाएगी, तो हनीप्रीत बहुत राज खोल सकती है गुरमीत रामी, क्योंकि उसको एक एक राज का पता है, किसी चीज़ को भी एक एक राज का उसके साथ बाबा शेयर करता था, और ज़्यादा 2-4 लोग ही थे जो प्लानिंग करते थे डेरे में, 4-5 लोग है जो ऐसा नहीं भी कल्ला डेरा मुखी प्लानिंग करता था, ये नहीं हो सकता, 5-6 लोग थे जिनके साथ बाबे की मीटिंग होकर प्लान बनता था, फिर आगे लोगों में आगे उसको उस प्लान को बताया जाता था अभी ये प्लान बना है ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे नहीं अभी ये प्लान नहीं बनता, क्योंकि गुरमीत राम रहीम लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी कह देता था, एक बार उसने स्टेज पे हम आप लोगों ने सुना है, आप वीडियो भी पढ़ी है उसकी, उसने कहता था जे मेरे सामने कोई वैश्वा भी नाच दे या नंगी होकर वो भी दरगाह में उसकी हाजिरी लग जाएगी, वो भी उसके सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसे ऐसे गुमराह करने का हो छात्र था, बहुत ज़्यादा छात्र था, शुरू से ही वो बहुत छात्र था, तो इसलिए अभी वो अकेला नहीं, उसके साथ 5-4 लोग और भी हैं, और इंक्वायरी करेंगे तो धीरे धीरे सारा पोस्टमार्टम होगा, बातें निकलेंगी, और अभी लोग अंडरग्राउंड है तो जब उनको पकड़ा जाएगा, 800 गाड़ी थी कहाँ गई,
800 गाड़ी वहाँ से लेकर आया, 100-150 गाड़ी इनके पास लग्जरी गाड़ी है जो 2 करोड़ से लेकर कोई 1.5 की है, कोई 2 करोड़ की है, तो वो गाड़ियाँ कहाँ गई? ठीक है ना, तो पुलिस ने तो 2-3 गाड़ी या 4 फड़ी होगी, 800 गाड़ी कहाँ चली गई? चलो उसमें मैं मानता हूँ 100 गाड़ी तो इनके पास लग्जरी है ही है, तो कहाँ गई है? वो कहीं तो खड़ी होगी ना, कहीं तो रोकी होगी ना। तो और भी बड़ा सवाल है जो ये अभी एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए, बहुत कुछ निकल कर आएगा। तो हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है भी ये सारा कुछ खोल रहे हैं, तो हमें रोज थ्रेट आते हैं, तो वो डराते हैं, उनके अभी भी गुंडे हैं। देखो इतना कुछ होने के बाद तो अभी भी उनके पास इतने गुंडे हैं, अभी उन्होंने परसों भी मेरे घर पे धावा बोला, तो रोज़ ऐसी कार्रवाई करते हैं। हम तो घर छोड़ के बैठे हैं, गांव वाला घर छोड़ा है, पिंड जो हमारा खेती बाड़ी है उधर सारा काम रुका पड़ा है, फादर मदर तो मेरे घर पे नहीं बैठे हुए। तो मैं ये कहता हूँ भी ये सारा कुछ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो जितनों ने अभी इतने लोग हैं जिनका पता ही नहीं कहाँ लापता है, डेरे में जो लोग काम करते थे पहले, जिन जिन्होंने आवाज़ उठाई है उनका अभी तक उनके घर वालों को पता ही नहीं चला भी कहाँ है, वो ढूंढते फिरते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने छत्रपति की जवान बंद करती थी, एक अखबार में छोटी सी खबर लगाई थी, हम तो रोज टीवी पे बोल, मैं कहता हूँ भी ये लोग जानते हैं भी कैसे बंद इस किसको, तो इसीलिए तो इतना लंबा चला। देखो इतनी इसी लंबा जाने का कारण ही तो इसका पहली पोल खुल जाती, पता था सभी को ये कुछ होता है, तो लोग डरते थे, कोई बोलता था, सरकारें इनकी दुआ में होती थी उस टाइम, कोई VIP भी नहीं बोलता था, कोई वो कहता था हमने क्या लेना है, वो इनकी दुआ में थी, वोट वोट राज है, तो इसलिए सारा कुछ है। बहुत ऐसे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग, तो बहुत गलत बात है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बराबर अपना समझने वाला तो कुछ भी कर सकता, जो अपने आप को गुरु गोबिंद सिंह जी का रुतबा दे रहा है भी मैं वो हूँ, तो फिर तो कुछ ही कर सकते हैं ये लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ों से, बर्मों से लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और इनकी सच्चाई जो और भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, ताकि ऐसा कोई ना करे। गुरु जी के बराबर पदवियों को बैठने वाला है ये लोग है, ये अपने आप को इंसान नहीं मानते, अपने आप को भगवान मानते हैं, मेरी सभी से ही है भी इनको छोड़ो, हम भी लगे हुए हैं बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो एक जो भगवान ने, जब भगवान ने हमें जब मारना है मारी देना, जो हमें हमें अपनी बात रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सभी लोगों को अपील है भी आए, बहुत लोग हैं वहाँ पर जो डर रहे हैं अभी, मुझे पता है, मेरे से लोगों ने बताया भी यार नहीं हम हमारा घर को नहीं छोड़ेंगे, किसी को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, तो वो इसलिए लोग डर रहे हैं। लड़कियां भी हैं जो डर रही हैं, साधु है भी, वो भी डर रही हैं, साधु भी आपका डर रही कहने हैं, का मतलब धीरे धीरे सब सामने तो धीरे धीरे आएगा, जैसे जैसे क्योंकि धीरे धीरे आएगा, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, आगे आगे और आएंगे, तो मैंने पता है भी एक दिन ऐसा आएगा भी सभी लोग सड़कों पे आके इसका पंडा फोड़ेंगे।